हेलो एंड वेलकम टू क्लासेस 24। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की तरफ से कुछ न्यूज निकल के सामने आ रही हैं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह, जो आयोग के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह के साथ दैनिक सवेरा की विशेष बातचीत। अब भोपाल सिंह ने क्या कहा है, आइए एक बार देख लेते हैं। अब अंतिम परिणाम के साथ ही जारी होगा विस्तृत परिणाम। अब क्या करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके साथ डिटेल रिजल्ट आएगा आपका, उसमें आपके कितने नंबर आए हैं और जो मेरिट बनी है वो सभी डिटेल। अब रोल नंबर की जगह पूरी डिटेल आया करेगी फाइनल आंसर में। इसके साथ और क्या कहा है, फाइनल आंसर भी अंतिम परिणाम के दिन जारी होंगे। जो भी आपकी फाइनल आंसर की है ना, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी दिन आपकी फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। पहले तो फाइनल आंसर की पता नहीं कब की कब डालते थे, दो दो साल लगा देते थे, आती भी थी कुछ की तो कुछ की नहीं भी आती थी, इतने तो केस हो रखे थे इन पे, वेटिंग लिस्ट भी मेरिट के आधार पर। वैसे वेटिंग लिस्ट मेरिट के आधार पर ही होती है, बस इन्हें क्या कर दिया है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। कुछ खास इन्होंने किया नहीं है, बस बड़ा चढ़ा के दिखा रखा है। अब तक 80,000 से ज़्यादा भर्तियाँ हो गई हैं और 25,000 प्रक्रिया जारी है। इसमें जो ये बयान दिया है इससे मुझे तो लगता नहीं कुछ भर्ती प्रक्रिया पे फ़र्क पड़ने वाला है। जो HSSC अपना जैसे परीक्षा लेती थी वैसे ही लेगी। और ईमानदारी की बात करें तो अभी नए अध्यक्ष बन के आए भोपाल सिंह, देखते हैं कि इनका क्या रवैया रहता है। पुरानी भर्तियों को तो आप सभी को पता ही है, अभी लास्ट में केस भी हुआ था कि 90 में से 90 नंबर बच्चे ले रहे हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कितनी ईमानदार ये भर्तियाँ हुई हैं आप सभी को पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।